स्पोर्ट्स की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम का 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ हुआ था। भारतीय टीम ने पहले ही सीरीज में कब्जा कर लिया था। भारतीय टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अगेत बर्थ बनाई हुई थी। दोस्तों, बात करें मैच की तो मैच में न्यूजीलैंड की कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और उनका ये फैसला सही भी रहा। एना पैटरसन की शानदार गेंदबाजी के दम पर न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम ने भारतीय टीम को 44 ओवरों में सिर्फ 149 रनों पर ऑल आउट कर दिया। न्यूजीलैंड की तरफ से पैटरसन ने सबसे ज़्यादा 4 विकेट झटके। दोस्तों, भारतीय टीम के 3 विकेट 39 के स्कोर पर गिर गए थे। स्मृति मदाना 1 रन, रोड्रिगेज 12 रन और कप्तान मिताली राज 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गई थी, जहां से टीम के लिए ज़्यादा रन बनाने वाली दीप्ति शर्मा और हरमनप्रीत ने टीम की पारी को संभाला और स्कोर को 87 रन पर पहुंचा दिया। परंतु इसके बाद हरमनप्रीत 24 रन के स्कोर पर पैटरसन की गेंद पर बोल्ड होगी। इसके बाद हेमलता ने दीप्ति का साथ देकर 5वें विकेट के लिए 3 रन जोड़े, पर जे भी साझेदारी इसके आगे टिक नहीं पाई। इसके बाद हेमलता 13 रन बनाकर और तानिया भाटिया 0 रन बनाकर आउट हो गई और दीप्ति शर्मा भी 52 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। उन्होंने अपनी पारी में 90 गेंदों का सामना किया और 4 चौके लगाए और जहां से कोई बल्लेबाज भारत को संभाल नहीं पाया और भारतीय टीम 149 रनों पर ऑल आउट हो गई। दोस्तों, न्यूजीलैंड ने इस लक्ष्य को 29 ओवरों में पूरा कर लिया। न्यूजीलैंड की तरफ से सूजी बैट्स ने 57 रन और उनकी कप्तान ने 66 रनों का योगदान दिया और इस मैच को 8 विकेट से जीत लिया। दोस्तों, इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच एना पैटरसन को मिला और प्लेयर ऑफ द सीरीज स्मृति मदाना को मिला। अब दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम T20 सीरीज खेलेगी, जिसका पहला मैच 6 फरवरी को सुबह 8:30 पर खेला जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि T20 सीरीज में भारतीय टीम जीत पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और स्पोर्ट्स की छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।